इस स्टॉक में क्या चल रहा है। पहले जो गिरते हुए आया 80 से लेकर पूरा धीरे 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 गिरते हुए 20-30 के लेवल्स तक आया, फिर उसके बाद अब धीरे धीरे रिबाउंड हो रहा है। तो क्या फंडामेंटल्स में कुछ चेंज हो रहा है या फंडामेंटल्स अभी भी बेकार है? एनडीटीवी के एनालिसिस अब जाके डील क्रैक हुई। मैंने कब डाला था? फरवरी के आसपास कि यहाँ पर कुक हो रहा है और वहाँ से डबल भी हो गया। फिर मैंने किर्लोस्कर ऑयल के पूरे डिटेल्ड एनालिसिस दिखाए और काफ़ी सारे टेक्नो फंडा एनालिसिस थे ये सारे। आज इसी तरीके के एक और बढ़िया से टेक्नो फंडा एनालिसिस देखने वाले हैं कि इस स्टॉक में क्या चल रहा है। पहले जो गिरते हुए आया 80 से लेकर पूरा धीरे 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 गिरते हुए 20-30 के लेवल्स तक आया, फिर उसके बाद अब धीरे धीरे रिबाउंड हो रहा है। तो क्या फंडामेंटल्स में कुछ चेंज हो रहा है या फंडामेंटल्स अभी भी बेकार है? फिर देखेंगे इस टाइम टेक्निकल्स में कि टेक्निकल्स में इस टाइम क्या चल रहा है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज आपको लेके चलूंगा एक और बढ़िया से टेक्नो फंड एनालिसिस पे, जहां पर डिटेल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टॉक बताऊंगा और उसके लेवल्स भी दूंगा। देखते हैं कि डेली वीकली चार्ट पे क्या है टेक्निकल्स की तरफ और फंडामेंटल्स में हमारे पास बैलेंस शीट और क्वार्टर रिजल्ट्स में क्या है। लेट्स डीप डाइव टू अवर एनालिसिस। बट येस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब दी चैनल, प्रेस दी बेल आइकन। यहाँ पर जब भी हम लाइव सेशंस करते हैं, स्ट्रैटेजीज अपलोड करते हैं, जैसे कि फ्राइडे को मैंने स्ट्रैटेजी अपलोड करी थी, वहाँ पे क्या बैकपॉट, मतलब बम्पर रिस्पॉन्स मिला आप लोगों की तरफ से। इतना प्यार मिला कि मन करता है यार और सिखाते रहो, लोगों को इंडिपेंडेंट बनाते रहो। ऑलराइट, आज का जो स्टॉक पिक किया है वो है अनिक इंडस्ट्रीज। एडिबल्स ऑयल्स की तरफ से ये एक इंडस्ट्री में है जहां पर ये एडिबल ऑयल्स की तरफ काम करता है, एक ही सेगमेंट में काम करता है। अब ये जो स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ, तो ये क्यों गिरना स्टार्ट हुआ, सबसे पहले तो उस पर नजर मारेंगे। बट उससे पहले क्वेश्चन आता है कि ये स्टॉक पिक क्यों किया मैंने। अगर मैं यहां पर डेली चार्ट की बात करूं, तो पहले एक इनसाइड बार बना, मल्टीपल इनसाइड बार बने, उसका ब्रेकआउट आया, फिर वापस से एक और इनसाइड बार बना, फिर उसका ब्रेकआउट आया। तो यहां पर स्टॉक डेली चार्ट पे इनसाइड बार का बैक टू बैक ब्रेकआउट तो दे ही रहा है, बट हैव अ लुक एट वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स क्या मैसिव लग रहे हैं यहां पर। सबसे अच्छी बात है कि वॉल्यूम्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, हायर हाई बना रहा है, इसलिए मैंने स्टॉक पिक किया। अब बिफोर गोइंग टू लेवल्स, की लेवल्स क्या रहेंगे, हम लोग एक बार देखेंगे इसके फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स में क्या चल रहा है। फंडामेंटल्स की बात करें तो लेट्स स्टार्ट विद प्रमोटर होल्डिंग्स। प्रमोटर होल्डिंग्स की तरफ देखूं तो पहले 41 था, फिर उसके बाद 41.04 के आसपास हुआ, फिर 40, फिर 37, फिर 37.93। मतलब बैक टू बैक पांच क्वार्टर में प्रमोटर ने सेल किया है। तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी नेगेटिव न्यूज कि प्रमोटर बैक टू बैक पांच क्वार्टर में सेल करते हुए गया है। और प्रोबेबली ये वन ऑफ द रीजन है, दिस इज वन ऑफ द रीजन कि जिस वजह से स्टॉक धीरे 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 टंबल डाउन होना स्टार्ट हुआ है। FII की बात करें तो FII के पास कुछ भी नहीं है, निल होल्डिंग्स है। DII की बात करें तो हाँ, DII ने 4-6% तक अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है, 2% तक अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। बट अब आते हैं मेन पब्लिक की बात पे, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये चीज ना काफी अट्रैक्ट कर रही थी मुझे। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास नो डाउट 55% होल्डिंग तो है, बट आउट ऑफ दैट ऑलमोस्ट 40% के आसपास होल्डिंग जो है वो ब्लॉक्ड है, फ्री फ्लोट में नहीं है। सो ऑलमोस्ट 15-20% के आसपास ही पब्लिक के पास है जो फ्री फ्लोट में अवेलेबल है, मार्केट के पास है, प्रोबेबली यही रीजन है। और अगर यहां पर प्रमोटर थोड़ा सा ऐड करते हैं या कोई और DII या फंड हाउस ऐड करता है, तो वो प्रोबेबली स्टॉक को एक वेट देगा, जिसकी वजह से स्टॉक और ऊपर जा सकता है। अब जाएंगे हम इसके क्वार्टर रिजल्ट्स पे। क्वार्टर रिजल्ट्स में ये देखेंगे कि ये जो स्टॉक वापस से रिबाउंड होके 25 के लेवल्स, अब ये 45 के लेवल्स तक आया है, तो ये रिबाउंड क्यों होना स्टार्ट हुआ, क्या क्वार्टर रिजल्ट्स में हमारे पास कुछ है। लेट्स डीप डाइव इनटू क्वार्टर रिजल्ट्स। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो सेल्स में कुछ खासा फर्क तो दिखाई नहीं दे रहा, 45, 62, फिर वापस से 61, 74, बट वापस से 74 से सीधा 54 के आसपास आ गई। इस टाइम पे लास्ट ईयर समझ आता है वेव टू थी, लॉकडाउन तो आ, तो समझ आता है कोविड था, जिसकी वजह से सेल्स ड्रॉप होनी चाहिए थी, बट अब
लॉकडाउन नहीं था, कोविड नहीं था, फिर वापस से सेल्स में थोड़ा सा एक टंबल डाउन आया, 74 से सीधा 54, यानी कि 20 करोड़ की सेल पर झटका लगा। मे भी हो सकता है क्वार्टर टू के रिजल्ट्स अच्छे एक्सपेक्ट किए जा रहे हो या मार्जिन्स अच्छे एक्सपेक्ट किए जा रहे हो, जिसकी वजह से दोबारा से स्टॉक धीरे धीरे रिबाउंड हो रहा है। ये थी टॉप लाइन। एक बार जल्दी से कंपनी की बॉटम लाइन पे देखते हैं कि इतनी सेल्स के बाद भी सेल्स घटी बट कंपनी ने कैसे प्रॉफिट की तरफ मैनेज किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात इंटरेस्ट, जो मैं बता रहा था कि कंपनी ने कैसे मैनेज किया इंटरेस्ट की तरफ, अगर देखे 1.69, 1.84, फिर 1. फिर 1.44, फिर वापस से सीधा ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट में सेविंग की है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात लग रहा है। और उसके बाद अगर बात करें पैट की, तो कंपनी 1, उसके बाद 3, फिर 1, फिर 4 और फिर वापस से 5। सेल्स ड्रॉप हुई बट कंपनी ने मार्जिन की तरफ थोड़ा सा बैलेंस बना लिया टैक्स की तरफ से, और वापस सबसे बड़ी बात इंटरेस्ट कॉस्ट की तरफ से। अगर ये सेम ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो यानी कि 4 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 5, फिर उसके बाद 7.5, फिर उसके बाद 8, 10 की तरफ अगर ये ट्रेंड 1-2 क्वार्टर में जाता है, तो वो कंपनी के चार्ट और फंडामेंटल्स पे 4 चांद लगा देगा। क्वार्टर रिजल्ट के बाद अब देखेंगे बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट में हमारे पास क्या है। बात करते हैं यहां पर बैलेंस शीट की, तो इक्विटी बेस 27 करोड़ जो कि 5 साल से सेम है, बट रिजर्व्स में यहां पर 5 साल से कंपनी कुछ खासा प्रोड्यूस नहीं करवाई, वही 280 270, फिर उसके बाद 230 250, कंपनी यही रिजर्व्स में खेल रही है। 5 साल से रिजर्व्स में कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही, प्रोबेबली यही रीजन है कि जिसकी वजह से स्टॉक धीरे 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 नीचे आना स्टार्ट हुआ है। बट हाँ, अच्छी बात यह है कि कंपनी ने अपने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो थे वो ऑलमोस्ट नील कर दिए हैं, जिसकी वजह से डायरेक्ट हमारे पैट पर रिफ्लेक्ट हुआ था, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि क्वार्टर रिजल्ट्स में इंटरेस्ट कॉस्ट जो थी वो ऑलमोस्ट नील हो गई, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। ये थे कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग्स, क्वार्टर रिजल्ट्स और बैलेंस शीट। अब हम देखने वाले हैं कि कंपनी का डेली चार्ट भी हम लोगों ने देख लिया, बट वीकली चार्ट क्या बोल रहा है, क्या ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर तैयार है वीकली चार्ट में। लेट्स हैव अ लुक एट वीकली चार्ट और उसके बाद दूंगा मैं आपको स्टॉक के लेवल्स। ये कंपनी का वीकली चार्ट, जहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं क्या ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर तैयार है। नंबर वन, अगर टेक्निकल्स की बात करूं वीकली चार्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट नोट्स किए गए। नंबर वन, वॉल्यूम्स, हैव अ लुक एट मैसिव वॉल्यूम्स पिकअप। तो ये तो क्लियर है कोई FII, DII या इवन हो सकता है फंड हाउस या प्रमोटर इसको एक्यूमुलेट कर रहा है, तभी इतना मैसिव वॉल्यूम्स निकल कर आया। नंबर टू, हाइयर हाई हाइयर लो, स्टॉक हाइयर हाई हाइयर लो बना रहा है, सबसे बड़ी बात धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेंड लाइन, जो हम लोगों ने यहां पर ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन डाल रखी है। नंबर थ्री, अगर बिगर पिक्चर देखूं यहां पर मैं, मंथली चार्ट पे वीकली चार्ट पे दिखाई देगा क्लियर पिक्चर कि स्टॉक बढ़िया सा वन ऑफ माय फेवरेट राउंड बॉटम का पैटर्न बना रहा है। सबसे अच्छी बात क्या है राउंड बॉटम में कि स्टॉक नीचे गिरता है बट कुछ लोग फिर भी उसमें बिलीव करते हैं कि फंडामेंटल्स धीरे धीरे इंप्रूव होंगे और धीरे धीरे एक्यूमुलेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे फंडामेंटल्स इंप्रूव होने स्टार्ट होते हैं वापस से स्टॉक वो चार्ट पर रिफ्लेक्ट होता है। जैसे जैसे क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आते हैं, जो कि हम लोगों ने देखा 4 करोड़ से 5 करोड़ तक आए, और धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लगता है। जल्दी से बात कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, अब यहां पर लेवल्स क्या रखूंगा। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 45 के आसपास, हाइयर हाई हाइयर लो बना रहा है, तो स्टॉप लॉस में ट्रेंड लाइन के नीचे डालूंगा। स्टॉप लॉस आएगा समवॉट अराउंड 30 के आसपास, यानी 15 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। बट टारगेट की बात करें तो टारगेट पूरा राउंड बॉटम रखूंगा, जैसा कि एग्जैक्टली सेम हमने NDTV में रखा था, और वहां पर मोर देन 100% गेंस मिला हमें पेशेंस रखने के साथ साथ। सेम यहां पर राउंड बॉटम के तरीके से टारगेट रहेगा 81, वहां पर रेजिस्टेंस भी है, एंड यस 81 इज अगेन अ गैन नंबर, जो गैन नंबर रेजिस्टेंस भी मेरे सामने यहां पर आ रहा है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, फंडामेंटल्स थोड़े थोड़े इंप्रूव हो रहे हैं, अगर प्रमोटर ने यहां पर कुछ ऐड किया या FII DII ने, तो 4 चांद लगेंगे ही लगेंगे, जो कि प्रोबेबली नेक्स्ट क्वार्टर के 1 या 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स में हमें यहां पर दिखाई दे सकता है। ये थे अलग इंडस्ट्रीज के टेक्नो फंड एनालिसिस। अगर आपको किसी भी स्टॉक के टेक्नो फंड एनालिसिस चाहिए, जहां पर मैं और मेरी टीम उसके डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो या एनालिसिस करके आपको ट्विटर या टेलीग्राम पे थ्रेड दे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो स्टॉक का नाम, मैं और मेरी टीम उस पर आपको डिटेल्ड प्राइस एक्शन एनालिसिस देंगे। एंड यस, नॉट टू मेंशन, अगर अभी तक आपने हमारी टेक्नो प्राइस एक्शन एनालिस्ट की प्लेलिस्ट नहीं देखी है स्ट्रैटेजीज की, वो जाकर वीकेंड पर देख सकते हो, जहां पर हर वीडियो में हम लोगों ने स्क्रीनर दिया है आप लोगों की हेल्प करने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।